हेलो स्टूडेंट्स, हर वीडियो की तरह ये भी एक छोटा सा वीडियो है, क्योंकि मैं पिछले कई दिनों से आपको छोटे छोटे वीडियो दे रहा हूँ। पर्पस सिर्फ एक, आप उससे वाकिफ़ भी हो चुके होंगे कि टर्मिनोलॉजी या छोटे छोटे टर्म्स में जो हमारी गलतियाँ होती हैं वो सही हो जाएं, रिवाइज रहे आपके पास और उसका कॉन्सेप्ट आपके पास बना रहे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो भी बेहद आसान। अब आसान वाली बात क्यों कहते हैं, क्योंकि कठिन और आसान कुछ होता नहीं है। ये गलतफहमी है लोगों को कि यार ये टफ है, ये आसान है। जो टीचर जब ये कठिन या आसान शब्द का प्रयोग करता है तो इन जनरल एवरेज बच्चों के रेफरेंस में करता है कि सामान्यतः जो बच्चे हैं वो कैसे इस पर रिएक्ट करते हैं। अदरवाइज जो चीज़ आपको नहीं आती वो टफ है और जो चीज़ आती है वो आसान है। भाई अगर किसी को एरोप्लेन चलाना आता है तो उसके लिए बहुत आसान है, लेकिन हमें तो भैया नहीं आता तो हमारे लिए भैया बहुत कठिन है, यार कैसे करेंगे हम। लेकिन जिस दिन आ जाएगा वो आसान हो जाएगी। इसलिए कठिन और आसान कोई नहीं, मोहर नहीं लगी होती है, बस प्रयास करने की बात है। लेकिन मैं अपने वीडियो में इस शब्द का प्रयोग इसलिए कर लेता हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चों से हम जब वाकिफ होते हैं तो पता चलता है कि भाई ये क्वेश्चन है या ये टॉपिक है रिलेटेड सवाल सामान्यतः गलत हो जा रहा है। तो मुझे लगता है शायद जो एवरेज बच्चा है वो इसे समझने में थोड़ी दिक्कत महसूस कर रहा है, तो उसी को इन जनरल हम लोग कठिन कह देते हैं। लेकिन एज ए टीचर टफ इज नॉट ए वर्ड इन द सब्जेक्ट ऑफ ए पर्टिकुलर टीचर। खैर, आज का टॉपिक है माइक्रो प्रोपोगेशन। बहुत आसान सा शब्द, इसको अगर आप डेसिफर कर लें तो आपको तुरंत पता चल जाएगा। माइक्रो का मतलब बहुत थोड़ा सा और प्रोपोगेशन का मतलब आगे बढ़ना, यानी बहुत थोड़े से आगे बढ़ना। माइक्रो प्रोपोगेशन एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें हम थोड़ा सा पार्ट लेते हैं और उससे चल करके आगे चल के बहुत सारा पार्ट बना ले जाते हैं। तो ये माइक्रो प्रोपोगेशन आज की तकनीक नहीं है, ये तकनीक बहुत पुरानी है। आज क्यों पढ़ रहे हैं हम इस शब्द का प्रयोग, आपके टेक्स्ट बुक में टिश्यू कल्चर वाले टॉपिक में दिया गया है, क्योंकि टिश्यू कल्चर में भी तो हम यही करते हैं। एक छोटा सा प्लांट का पार्ट लेते हैं, वो एक्सप्लांट ही कहलाया, उसको कल्चर मीडिया में रखा और करके के उसको स्टराइल कंडीशन में ग्रो कराया, तो हुआ तो माइक्रो प्रोपोगेशन। भैया आपने एक सेल ली, फॉर एग्जाम्पल मेरिस्टमेटिक सेल ली और उससे एक पौधा बना दिया छोटा सा, उसे हम माइक्रो प्रोपोगेशन कह सकते हैं। लेकिन सर इससे पहले भी करते आए हैं, जो हमारी कन्वेंशनल एग्रीकल्चरल टेक्निक है उनमें भी हम ऐसा करते आए हैं। जैसे आलू बोते वक्त थोड़ा सा हिस्सा निकाल करके ज़मीन में डालते हैं, गन्ना बोते वक्त हम थोड़ा सा हिस्सा जो हमारा नोड पार्ट है वही हम मिट्टी में दबाते हैं, उससे पूरा गन्ने का पेड़ बना देते हैं। तो इसीलिए माइक्रो प्रोपोगेशन शब्द का प्रयोग आपकी टेक्स्ट बुक में किया गया है टिश्यू कल्चर में। यानी माइक्रो प्रोपोगेशन एक ऐसी तकनीकी है जिसमें हम छोटे से प्लांट पार्ट से शुरू करते हैं और उसके बाद पूरा प्लांट बना के तैयार कर देते हैं। अब इसमें जो प्लांट बनते हैं, जैसे मान लीजिए आपने एक सेल लिया या एक टिश्यू लिया, जैसे आपने 100, 200, 500, 1000 प्लांट बनाए, दे आर 100% सिमिलर टू ओरिजिनल प्लांट, क्योंकि एक प्रकार का ये उसी सेल से बनने वाले प्लांट हैं, एकदम हूबहू जेनेटिकली मॉर्फोलॉजिकली प्रोडक्टिविटी सब कुछ एक ही होनी चाहिए। इसलिए एक नया शब्द प्रयोग करते हैं, सोमा क्लोन। सोमा का मतलब बॉडी और क्लोन का मतलब तो आप जानते हैं सर, 100% आइडेंटिकल। तो जो माइक्रो प्रोपोगेशन टेक्निक से हम छोटे छोटे पौधे बनाते हैं उन्हीं को हम कहते हैं सोमा क्लोन। अब जरा टिश्यू कल्चर टॉपिक में आइए, जहां आपने कहा आपने एक्सप्लांट लिया, छोटा सा पार्ट लिया और उससे स्टराइल कंडीशन में कल्चर मीडिया में प्रॉपरली आपने ग्रो कराया
और एक छोटा सा पौधा बना लिया। तो ये छोटा सा पौधा आपने टेस्ट ट्यूब के अंदर बना लिया, उसको हम लोग कहते हैं प्लांटलेट। प्लांटलेट इज द स्मॉल प्लांट प्रोड्यूस इन द टेस्ट ट्यूब एट द एंड ऑफ द टिश्यू कल्चर। फिर उसी प्लांटलेट को हम जमीन पर लगाते हैं, उसे नेचुरल कंडीशन देते हैं ग्रो करने के लिए, तो उसे हम कहते हैं हार्डनिंग। दो शब्द मैंने और आपको बताए, प्लांटलेट और हार्डनिंग। लेकिन सोमा क्लोन क्यों आया? क्योंकि हमने कहा कि हमने एक सेल ली थी, उससे सर ऐसे ऐसे सो माइक्रो प्रोपोगेशन करके 1000 हमने प्लांट बनाए, प्लांटलेट बनाए। लेकिन अब हम क्या चाहते हैं? हम एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, ये सभी एक जैसे हैं, तो हम अलग अलग प्लांट पे अलग अलग तरह का एक्सपोजर करेंगे, केमिकल, फिजिकल, रेडिएशन, और उसमें देखेंगे कि इन प्रकार के एक्सपोजर का क्या इम्पैक्ट पड़ता है उसकी प्रोडक्टिविटी पर और उसकी टोटल मॉर्फोलॉजी पर। अगर प्रोडक्टिविटी और मॉर्फोलॉजी हमारे फेवर में आती है तो हम कॉमर्शियल प्रोडक्शन के सोच सकते हैं। तो इसलिए शब्द आता है सोमा क्लोनल वेरिएशन, क्योंकि माइक्रो प्रोपोगेशन करके हम सिर्फ सोमा क्लोन बनाते हैं, लेकिन हम उस पर एक्सपेरिमेंट्स करके उसके अंदर कुछ इंड्यूस कर सकते हैं किसी भी तरह का, और जिससे उसके अंदर वेरिएशन क्रिएट होता है। वो वेरिएशन अगर हमारे लिए फ्रूटफुल है, लाभदायी है, तो सर उस वेरिएशन को हम कोशिश करेंगे कि कॉमर्शियली प्रोड्यूस करें, और नहीं लाभदायी है तो हम नहीं करेंगे। तो टिश्यू कल्चर टेक्निक में हमने आपको माइक्रो प्रोपोगेशन के साथ सोमा क्लोन का भी जिक्र किया। मैं तो बताया कि सर माइक्रो प्रोपोगेशन जो हमारी ट्रेडिशनल टेक्निक होती थी उसमें हमने सोमा क्लोन प्राप्त करते थे, लेकिन आज की डेट में हम टिश्यू कल्चर टेक्निक में सोमा क्लोनल वेरिएशन करते हैं। और तभी आप देखिए हर साल आपको कई सारी न्यू वेराइटीज हर प्रकार की क्रॉप में नजर आती है। तो वो ईश्वर ने थोड़ी ना बनाई, वो हमने और आपने प्रयास करके इस तरह के वेरिएशन करके हमने बना दिए। अब वो म्यूटेशन से करते हैं, केमिकल एक्सपोजर करते हैं, वो एक अलग इशू है, वो हमारा टॉपिक नहीं है। तो हमारे ख्याल से माइक्रो प्रोपोगेशन शब्द समझ में आ गया होगा। उसके साथ जुड़े हुए दो शब्द और हमने आपको बताए, प्लांटलेट एंड हार्डनिंग, हालांकि दोनों टर्म आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं है। फिर हमने सोमा क्लोन बताया, और महत्व बताना चाहा कि सोमा क्लोन के आगे हम वेरिएशन करने का क्या महत्व हमारे टिश्यू कल्चर टेक्निक में। तो इस तरह से आप पढ़ें अगर तो आपको ज्यादा फायदा होगा एग्जाम के दिन। अब कुछ बच्चों को ये जो है क्वेश्चन रहता है कि सर जब वो टर्म नहीं दिया गया है, हमें जो डिक्टो लाइन लिखी गई है हमें सिर्फ उतना ही पढ़ना चाहिए, ये आपका भ्रम है। अगर सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे आप तो सर कभी याद नहीं रहेगा। सर हमने अब तक की लाइफ में कम से कम 20 बार मिनिमम 20 बार रामचरितमानस पढ़ी है, आपने भी बहुत सारी बुक ऐसी पढ़ी लेकिन कभी समझा नहीं उसे। कुछ कुछ लाइनें समझ में आती हैं, अब या तो प्रयास नहीं किया या कोई समझाने वाला नहीं मिला, हमें नहीं याद है। हाँ कुछ चौपाइयाँ ज़रूर रटी हुई हैं हमको, वो चौपाइयाँ जिनको हमने थोड़ा बहुत समझा, क्योंकि हम लोग की स्कूल की टेक्स्ट बुक में भी कभी कभी कुछ चौपाइयों का जिक्र रहा है, तो इसीलिए मैं भूल गया। अगर मैंने उसे समझ लिया होता, एक्सप्लेन बेहतर कर दिया गया होता, तो हमें उसके पीछे की जो पिक्चर है वो हमेशा विजुअलाइज होने लगती और फिर हम याद रख पाते। तो ये एक बेसिक फंडा है, अगर आपको किसी चीज़ को याद रखना है, लंबे समय तक याद रखना है, तो उसे समझना होगा। बिना समझे सर कभी भी मेमोरी लॉन्गिटिविटी में नहीं आती है, ये आप अनुभवी हैं, कर भी सकते हैं। हाँ कुछ क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं जिनको लगातार आप प्रैक्टिस करते हैं वो आपके याद होंगे, लेकिन एश्योरिटी नहीं होती है कि वो एग्ज़ाम में सही होगा। तो समझ के पढ़िए, बी कॉन्सेप्चुअल फॉर ईच एंड एवरी टॉपिक इन ईच सब्जेक्ट फॉर योर सक्सेस। स्टे कनेक्टेड।